हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है मनोज। दोस्तों स्वागत है आप सभी भाइयों का मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मनोज ब्यूटी मिक्सिंग पॉइंट। दोस्तों आप लोग मेरे डिस्प्ले पे देख सकते हो पीछे में, जो कि सिंगल क्लिप के ऊपर में डुअल एक वीडियो का हमने दो वीडियो बना रखा है। ये हम कैसे बनाएंगे वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये पूरा का पूरा मास्किंग के ऊपर में वीडियो है। अब मास्किंग का एक और मैं वीडियो लाऊंगा जो कि प्रॉपर ये एडवांस लेवल की है। दोस्तों जैसे मैं कर रहा हूँ मास्किंग, अगर वैसे ही अगर आप लोग भी मास्किंग कर लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सॉन्ग प्रोजेक्ट, टाइटल, हाईलाइट या फिर कोई भी प्रोजेक्ट बनाने में। तो आइए आप देखते हैं कि इसको हम बनाते कैसे। ये मेरा सिंगल क्लिप है और सिंगल क्लिप के ऊपर मैंने मास्किंग किया, जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो। जगह से हमारा ट्यूटोरियल हो गया स्टार्ट, ये मैंने बना रखा है। और इसी में मैं कुछ और एडवांस आपको करके दिखाऊंगा। इसी जगह पे ये मेरा बॉय का फुटेज हम लेके आएंगे, एम से कट, मास लाएंगे, मास को ड्रॉप करूंगा। ध्यान रखना कि लेआउटर को उठा करके ये नीचे करना है, मास ऊपर होना चाहिए, तभी आपकी ये इफेक्ट बन पाएगा। डबल क्लिक करेंगे और ये सर्कल वाला जो है इसको सेलेक्ट करेंगे। मार्जिन जो दिख रहा है आपको, ये गार्ड मार्जिन वाला, आप अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। और ये पोजीशन को जीरो करेंगे और ये बिल्कुल सेट हो गया। अगर आप इसको थोड़ा सा अगर और बड़ा करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अब इसका ओपेसिटी आउटसाइड हम करेंगे जी जीरो करेंगे, ओके। और इसी मास्क को मैं कर दूंगा यहाँ से कॉपी। मैं पहले बता दिया हूँ कि बहुत एडवांस ट्यूटोरियल है तो आप लोग देखते रहना। अब ये वाला मास्क को हम करेंगे जी छोटा, जितना आपको चाहिए। अब यहाँ से इस मास्क पे करेंगे 100% ओपेसिटी। अब यहाँ पे फिल्टर पे जाएंगे, फिल्टर को सेलेक्ट करेंगे और ये फिल्टर के आगे जो एक डब्बा दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करेंगे और चलेंगे वीडियो फिल्टर में। वीडियो फिल्टर में कलर करेक्शन में, और यहाँ पे आपको मोनोट्यून मिल जाएगा, कलर व्हील। मैं कलर व्हील ज़्यादा यूज करता हूँ तो कलर व्हील को सेलेक्ट कर लेंगे और अपने हिसाब से इस पर कलर डालेंगे। जो भी आपको कलर करना है वो आप कलर कर सकते हो। मैं वाइट करूँगा, ब्राइटनेस को थोड़ा सा ज़्यादा करूँगा, कंट्रास्ट को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, थोड़ा सा मैं कंट्रास्ट को कम करूँगा। अब ओके कर दूंगा, मेरा काम यहाँ पर हो गया है। अब यहाँ पे एज डालना है, यहाँ पे मैं सिर्फ दो पिक्चर्स डालूंगा। अगर आप आउटसाइड डालना चाहते हो इनसाइड तो इनसाइड डाल सकते हो, आउटसाइड आउटसाइड जैसे भी आप करना है कर सकते हो। मैं फिलहाल जो है आउटसाइड डालूंगा, ओके। अभी आप देख सकते हो कि मेरा ये भी जो है इफेक्ट बन गया। अभी इसी के ऊपर में और भी ज़्यादा हम काम करने वाले हैं तो इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे, इतना। और सबसे ज्यादा आसान रहेगा दोस्तों ये वैल्यू है यहाँ पे स्ट्रेच का, सॉरी स्ट्रेंथ का। ये वैल्यू को अगर आप याद कर लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब ये पोजीशन है तो पोजीशन को मैं जस्ट यहाँ पे डाल दूंगा। अगर मैं पोजीशन को ही अगर मोशन करता हूं तो पकड़ के बाहर कर दूंगा, यहाँ पे बाहर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ जो इसमें मोशन डालता हूँ, 4 सेकंड तक मोशन यहीं तक लाना है मेरे को, यहाँ तक लाना है। अगर आप चाहते हो कि इसी के अंदर में रोटेशन करते हुए लाए तो आप रोटेशन भी कर सकते हो। एक पूरा राउंड देना पड़ेगा आपको। जब अगर आप इसको प्ले करके देखोगे ठीक है, तो ये मेरा मोशन भी हो गया। अब मैं इसी क्लिप को डबल क्लिप करूंगा, तो जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो एक क्लिप को डबल क्लिप हो रखा है, तो मैं इसी को डबल में बनाऊंगा, सिर्फ इसको। तो मास्क को पकड़ के लाएंगे और लेआउट के नीचे छोड़ेंगे। अभी ध्यान रखना है कि दो मास्क हमने ऊपर लगाए हैं, एक मार्क्स जो है हमने नीचे लगाया है, तो नीचे वाला मार्क्स पर डबल क्लिक करेंगे और फिर से राइट एंगल को पकड़ेंगे और सिंपल इसको यहां से यहां तक। ये ध्यान रखना जो गाइडलाइन है इसके बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए।
अगर गाइडलाइन के सेंटर में होगा तो ही आपका इफेक्ट अच्छा चलेगा। अब यहाँ पे हमारे को मिरर यूज करना है, तो यहाँ पे आउटसाइड फिल्टर है, ओपेसिटी आउटसाइड ओपेसिटी फिल्टर, इस पर चेक लगाएंगे और यहाँ पे जो देख रहे हो सिलेक्शन फिल्टर, इस पर क्लिक करेंगे। अब वीडियो फिल्टर में चलेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा जी मिरर, आपका काम हो गया। अभी आप देखिए यहाँ पे जो मैंने बनाया था आप लोगों के लिए, तो सिर्फ ये एक इधर से उधर आ रहा था, लेकिन जो मैंने इधर बनाया इसमें मोशन करते हुए आ रहा है, यानी कि घूमते हुए आ रहा है। अगर इसको और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए आपके पास में, अगर आप ये वाला इफेक्ट ला के लगाते हो तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। दोस्तों मैं बता दूं आपको साथ साथ में, जो मैंने आपको कंप्यूटर जो वीडियो बना के दिखाया था, जो कि मेरा खुद का मशीन है, वही मशीन के ऊपर मैं ये भी है आपको एडिट करके दिखा रहा हूं। ये देख सकते हो 12600 के प्रोसेसर है, मेमोरी इसका 16 GB है और सी ड्राइव जो है, तो यही कंप्यूटर में मैं काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके कंप्यूटर के अंदर में लेने से क्या खासियत है और क्या नुकसान है। आपने देखा दोस्तों इसी तरीके से जो है आप सॉन्ग टाइटल हाईलाइट प्री वेडिंग व्हाट्सएप इनविटेशन ये सब बना सकते हो। इसका दूसरा वीडियो मैं और लाऊंगा मास्किंग के ऊपर में। अगर आपने जिस हिसाब से मैंने मास्किंग की है, अगर सेम मास्किंग अगर आपने कर लिया तो आप यकीन मानो आप कुछ भी बना सकते हो। मैं लेटर के पर भी वीडियो लाऊंगा और आपको मास्किंग के ऊपर भी वीडियो लेके आऊंगा अभी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आप सभी भाइयों को पसंद आया। अगर मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने साथ दोस्तों के साथ हमें जरूर इसको शेयर करना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।